Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. तो आपके करताल तीसरा सेक्शन में आपको स्वागत है. कि आज का सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि जैसे पहले सेक्शन में आपको 1-2 का बताया गया था, 1-2-3 का, तो 1-2-3 किस प्रकार से गाकर बजाया जाता है सिखाया गया था. तो तीसरा में जो आपको बताया जाएगा कि 1-2-3 से ही आप तेज कैसे बजा सकते हैं स्पीड में, जैसे कि कोई भी कीर्तन से तेज कैसे बजाते हैं. देखिए आप, मैं आपको बताया था कैसे बांधना है, कैसे इसको क्लीनिंग रखना है, लेकिन कुछ नियम है. और ये मैंने आपको बताया था कि बलराम जी का विस्तार है. तो इस प्रकार से देखिए कि इसको बहुत सिंपल, स्लो और बहुत सुंदर से बजाना है. क्या है, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, कैसे हैं, 1-2-3, 1-2-3, थोड़ा ध्यान देना है, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. तो इस प्रकार से क्या है, स्पीड कर सकते हैं. तो इसको स्पीड बोला जाता है, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. तो इस प्रकार से जैसे कि आप गा के भी बजा सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हो गया ना. तो देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना है, जब भी आप प्रारंभ करते हैं वो स्लो स्पीड से करना है. कहें हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है ना, वो स्लो स्लो से प्रयास करिएगा, स्लो से ही स्पीड करिए. स्पीड से स्लो कभी नहीं हो सकता है, स्लो से ही स्पीड, धीरे 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 करके उठा के लाना. यदि आप समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको और ज़्यादा से सीखना है, कि और भी इसको कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं. तो नेक्स्ट मंत्र में आपको नेक्स्ट टाइम में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस प्रकार से इससे और अलग अलग कैसे ढंग से बजाया जा सकता है, स्लो से, मीडियम से, हाई से कैसे बजाया जा सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताया जाएगा कि दूसरा वीडियो और दूसरा कैसे मिक्स बजाया जाता है. हरे कृष्ण.